नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम सहबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पूरे देश में आवाज उठ रही है। धरना, रैली और प्रदर्शन के जरिए देश के लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। भारत सरकार से बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चैबासा में हिंदूवादी संगठनों की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई और अनुमंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ता सोमा कोड़ा ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से कट्टरपंथियों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, उसके लिए कदम उठाने की मांग हम सब भारत सरकार से कर रहे हैं। केंद्र सरकार बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, आदिवासी सहित अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। चैतन्य दास पर बांग्लादेश प्रशासन और पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी विरोध जताया गया और उन्हें मुक्त करने की मांग की गई। हाथों में नारे लिखे तख्तियां लेकर सनातन समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए बाबा मंदिर से निकलकर शहर के विभिन्न हिस्से का भ्रमण किया और फिर अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू भाइयों बहनों और वहां पे और भी हमारे आदिवासी समाज के हैं, बौद्ध समाज के हैं, जैन समाज के लोगों के साथ वहां का कट्टरपंथी हमारे हिंदू समाज के दुकानों को लूटा जा रहा है, माँ बहनों की इज्जत को लूटा जा रहा है, इनके साथ मारपीट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हमारे जो संत है चिन्मय दास के साथ मारपीट किया गया और उसको जेल में बंद किया गया। और हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, केंद्र सरकार के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हमारा वहाँ के हिंदू भाई बहनों को, आदिवासियों को, बौद्ध को, जैन को सुरक्षा प्रदान किया जाए और उनके जो दुकान, मकान, मंदिरों को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए, यही हमारा केंद्र सरकार से आग्रह है और वहाँ के हिंदू समाज के लोगों को सुरक्षा दिया जाए। पूरा मामला ये है कि हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है खेल, उसी के अंदर सनातन धर्म का प्रचार ना हो सके, इसके लिए उनको अरेस्ट किया गया है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। हम चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, जो कि हाई कोर्ट का भी ये दे दिया गया है कि इस्कॉन जो है वो कोई कल्टी नहीं है, वो समाज के लिए काम कर रहा है और पूरा न्याय पे काम कर रहा है, तो उसको छोड़ा जाए जल्द से जल्दी, हमारी यही मांग है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल पर पश्चिमी सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधान से समाधान विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तातनगर प्रखंड कार्यालय सभागार में किया गया। महिलाओं के हितार्थ, कानूनी एवं लाभकारी योजनाओं के दृष्टिगत विधिक जागरूकता शिविर के आयोजन के जरिए लोगों को विभिन्न कानूनी जानकारी प्रदान की गई। मुख्य रिसोर्स पर्सन LADC के उप प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद दास ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं। हमारे देश में महिलाएं भी समान रूप से श्रम कर रही है और अपने करियर को लेकर गंभीर है। ऐसे में महिलाओं को कानून द्वारा दिए गए उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं को लेकर छात्र संगठन AIDSO ने कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। छात्र संगठन की मांग है कि सत्र 2022-24 के बीएड के विद्यार्थियों को PG में नामांकन करने का मौका दिया जाए। ओल्ड कोर्स के सेमेस्टर 1 और 3 के बैकलॉग स्टूडेंट की यथाशीघ्र परीक्षाएं आयोजित की जाए। कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक जेनेरिक पेपर की परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई है। परीक्षा की तिथि अविलंब निर्धारित की जाए। इसके साथ ही बीएड में दूसरे मेथड पेपर की परीक्षा ली जाए। PSD परीक्षा 2022 जिसकी लिखित परीक्षा तिथि 3 दिसंबर 2023 को हुई थी, उसका परिणाम अविलंब जारी किया जाए। कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक ने मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चैबासा में भी होगा सारा काम।
वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चैबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चैबासा। आया आया नीलम शुम स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारे नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में बुधवार से शुरू हुए एसआर रुमटा ए डिवीजन लीग के उद्घाटन मैच में गत वर्ष की ए डिवीजन की चैंपियन टीम यंग झारखंड क्रिकेट क्लब चायबासा को बी डिवीजन से प्रोन्नत होकर पहली बार ए डिवीजन में खेल रही मेगा हाथोबुरु क्रिकेट क्लब ने 3 विकेट से पराजित कर न सिर्फ पूरे 4 अंक बटोरे बल्कि प्रतियोगिता में भारी उलटफेर भी कर दिया है। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए यंग झारखंड क्रिकेट क्लब ने पूरे 30 ओवर खेलकर 9 विकेट के नुकसान पर 212 रनों का स्कोर खड़ा किया। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेगा हाथोबुरु क्रिकेट क्लब की टीम 29 ओवर 3 गेंद में 60 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। आशीष तंवर ने 7 चौकों एवं 1 छक्का की मदद से 60 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जबकि 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए आमोश एक्का ने भी 6 चौकों एवं 3 छक्कों की सहायता से 57 नाबाद रन बनाकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरुवार को ए डिवीजन लीग के दूसरे मुकाबले में यंग झारखंड क्रिकेट क्लब चायबासा का मैच लार्सन क्लब चायबासा से होगा। गुरुवार को हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इसमें झामुमो से 6, कांग्रेस से 4 और राजद से 1 विधायक के मंत्री बनने की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चायबासा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4थी बार जीतने वाले विधायक दीपक बिरुआ को हेमंत मंत्रिमंडल में एक बार फिर जगह मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक मजबूत चेहरा है। बुधवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि मंत्री बनाने और नहीं बनाने का मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, यदि जिम्मेदारी मिलती है तो बेहतर तरीके से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वह उन्हें स्वीकार है। विधायक ने कहा कि जिस दिन से मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है बेहतरीन काम कर रहे हैं, वे पहले दिन से ही मिशन मोड पर है। जनता ने बेहतर ढंग से काम करने के लिए ही यह ऐतिहासिक जनादेश दिया है। कुछ कहने का बात नहीं है, तो विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री का, इसलिए वही नियुक्त करते हैं और यदि जिम्मेदारी मिलता है तो हम लोग बेहतर ढंग से काम करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। शीर्ष नेतृत्व के ऊपर ही जिम्मेदारी मैंने उन लोग का ही है और वो लोग जैसा निर्णय करें हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं, फंस नहीं रहा है, सारा चीज ठीक ठाक है। जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं बहुत बेहतर ढंग से समीक्षा कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, और हमको लगता है कि इस बार पहले दिन से मिशन मोड पर है मुख्यमंत्री, एकदम काम के मोड में, चूँकि जनता का जो जनादेश है इसीलिए ही दिया है कि बेहतर ढंग से राज्य का मैंने काम कुछ नहीं है, वो समय देख के लोग कर रहे हैं और हमको लगता है कि मीडिया वगैरह में तो कल के बारे में आया ही है, हमको लगता है संभावना की हो सकता है कि कल हो जाए ये सब सारा चीज़ें। झामू 2500 रुपया नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए भारत सरकार को हम लोग एक
लाख 36,000 करोड़ रुपया ऐसे भी उनको बकाया देना है। और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं स्टेट में, या मिनरल के बारे में कहें या और भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है, सरकार अपने तरीके से एक कानून भी बना सकती है। और बहुत सारे चीज़ों पर मुख्यमंत्री समीक्षा किए हैं अभी कि कैसे बेहतर होगा इस राज्य का रेवेन्यू, कैसे कलेक्ट होगा और इसको और बेहतर ढंग से कैसे आगे ले जाएंगे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेते के साथ दूसरे दिन से काम शुरू किए हैं, इसीलिए यह कोई बड़ा मसला नहीं है कि जो सरकार कुछ प्लान करके ही कोई योजना को धरातल पर उतार है। और हमको लगता है कि इसमें आने वाला दिन कोई दिक्कत का बात नहीं है, बल्कि और बेहतर ढंग से काम होगा और बड़ी बड़ी चीज़ें होगी यहाँ पर। देखिए, नो डाउट माइनिंग कैप्टिव नॉन कैप्टिव वाला मामला में बहुत सारा माइनिंग काम यहाँ पेंडिंग हो गया है, और सिलेंडर कर दिया गया इसको फिर से रीऑक्शन करने का मामला भारत सरकार से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार चाहती है कि माइंस का ऑक्शन हो, और कुछ राज्य सरकार भी कुछ माइंस को यहाँ के रोजगार बेरोजगार को रोजगार देने के हिसाब से, अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के हिसाब से राज्य सरकार भी इस पर भारत सरकार से बात करके कोई डिसीजन ले सकता है। लेकिन अंतिम रूप से तो भारत सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ये जो 27 माइंस खास करके कोलान में अभी बंद पड़े हुए हैं, इस माइंस का ऑक्शन यदि नहीं होता। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना, हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास, दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी सदर बाजार चाईबासा। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत प्रकाश नगर गरुण बासा निवासी नवीन कुमार सिंह के घर पर बीते 18 नवंबर को हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 हिस्ट्री सीटर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में रोहित लोहार, गौरव गोस्वामी और अमन कुमार शामिल है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा और एक यामाहा मोटरसाइकिल बरामद किया है। घटना की जानकारी देते हुए SP किशोर कौशल ने बताया कि कांड के उद्भेदन को लेकर सिटी DSP के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था। SIT द्वारा तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर, गुप्त सूचना के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि तीनों हिस्ट्री सीटर अपराधी है और कई मामलों में जेल भी जा चुके हैं। 18/11/24 को गोविंदपुर थाना अंतर्गत गरुड़बासा में एक आइसक्रीम फैक्ट्री के ऊपर फायरिंग के मामले में 3 गिरफ्तारी की गई है। बेसिकली उस आइसक्रीम फैक्ट्री में इन 3 अपराध कर्मियों के द्वारा रात्रि में जा करके फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, और इसमें नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। उसमें पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि DSP सिटी और थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उनके द्वारा तकनीकी एवं मानवीय आसूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि रोहित लोहार, गौरव गोस्वामी और अमन महतो, ये 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। और साथ ही साथ जो हथियार इसमें एक देसी कट्टा प्रयुक्त हुआ था फायरिंग के लिए, वो हथियार भी बरामद हुआ है, और जिस बाइक का उपयोग भागने के लिए किया गया था वो बाइक भी बरामद की गई है। अगर इनके आपराधिक इतिहास की अगर हम बात करें तो रोहित कुमार गॉड बाबा का पहले भी 3 मामलों में वो अभियुक्त रहा है। इसके अलावा गौरव गोस्वामी के खिलाफ भी 4 मामले दर्ज हैं टेलको थाना अंतर्गत, और अमन कुमार जो तीसरा अपराधी है उसके विरुद्ध पहले से 1 मामला
अंकित रहा है टेलकॉम मीडिया। इस तरीके से जो लोग इसमें शामिल थे सभी अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।